इसने डील नहीं किया। हाँ, सारे बोलो हालेलुया। आपको विश्वास करना है, बोलो हालेलुया। विश्वास कर रहे हो? देखो सब लोग खुश थे, डील कर रहे थे, एग्रीमेंट कर रहे थे, लेकिन ये चुपचाप बैठी थी। बेटे तू चुपचाप बैठी थी, परेशान थी कुछ, लेकिन आज तेरी परेशानियों के लिए परमेश्वर आज तेरे कानों में आवाज लगाने वाला आवाज। तो जितनी परेशान है उतनी सुखी होने वाली है। मैं देख रहा हूँ उस बात के लिए तू बहुत दुखी हो रही है, अंदर से परेशान हो रही है, समस्या में है, लेकिन पवित्र आत्मा आज तेरी समस्याओं को दूर करना चाहता है। करें भविष्यता, ये भविष्यवाणी कर रहा है, करें यही मार्ग है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे बैठे हुए सोच रहे हैं, पता नहीं यार मैं गलत जगह तो नहीं आ गया, सही जगह आया तो सही। हालेलुया। करें कि जहाँ बैठे हैं आप सही बैठे हैं, परमेश्वर आपको बताना चाहता है, आपको आशीष देना चाहता है। बोलो हालेलुया। मैं कह रहा हूँ आपके लिए, बोल रहा हूँ आपके लिए, आपका शादी हो गया है, मैं ऐसे देखता हूं कि लेकिन आप अंदर से बहुत दुखी हैं, पता नहीं हस्बैंड को लेकर, पता नहीं किस बात को लेकर आप दुखी हैं, लेकिन आप अंदर से दुखी हैं, बहुत लड़ाई झगड़ा रहता है घर में, बहुत सारी समस्या ऐसे बनी रहती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स खड़ी रहती है, एक जाती है दूसरी आ जाती है, दूसरी जाती है तीसरी आ जाती है, ऐसे मैं देख रहा हूँ कि अभी आपका पति, आपका हस्बैंड किधर है, किधर है, पीछे बैठे ने हाथ खड़े कर दे भी। हाथ खड़े करें, हाँ वहीं पर स्टैंड अप वहीं खड़े हो जाओ, बस वहीं से। हाँ सुनो, पवित्र आत्मा आपके साथ आपको आशीष दे रहा है, एक नया एग्रीमेंट कर रहा है, आज के दिन से करें कि एक नए बिजनेस की शुरुआत करेगा यीशु मसीह के नाम में। 2023 तेरे लिए होगा यीशु मसीह के नाम में, ब्लेसिंग भरा होगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन कभी कभी कोई ऐसे ड्रिंक करता है, ड्रिंक कोई किसी को जानते हैं आप, कोई ऐसा जन है फैमिली में? मैं ही करता था पहले, बंद कर दिया। हस्बैंड करते थे? हाँ ठीक है, लेकिन ये बात के लिए आपको एग्रीमेंट करना है, डील करना है कि मैं आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा। आपके लिए कोई ब्लेसिंग खोलना चाहता है परमेश्वर। मैंने क्या कहा, आज बहुत सारे लोगों को जितने पीछे भी बैठे हैं, आज इस क्रिसमस से, मैं कह रहा हूँ शोभा यात्रा के दिन से, परमेश्वर ने एक नई डील फाइनल कर दी आपकी। जो कुछ भी काम करोगे सफल हो जाओगे, सफल। लेकिन मेरी बात पर विश्वास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कहाँ से आए तुम? गुजरात से? गुजरात अहमदाबाद से आए हो, लेकिन मैं ऐसे लिखे हुए देख रहा हूँ कि एक स्वर्गदूत लिख रहा है कह रहा है कि अप्रैल का महीना आशीष भरा होगा, और ऐसे मैं देख रहा हूँ, और एक 24 तारीख और ऐसे 25 क्रिसमस से पहले, एक रात पहले 24 तारीख आशीष की रात है, वो आपके लिए भी है। कोई महीना कोई भी हो, 24 तारीख है किसी का, 24 तारीख 24, ऐसे कोई जन्म 24 बेटे का जन्म है। यीशु जी, मुझे लगता है तेरी पत्नी तेरे बेटे से प्यार नहीं करती। नहीं करती ना? करती नहीं, भूल गई अपने बेटे का जन्म, भूल गई तो 24 तारीख को, 24 तारीख की रात के बाद 25 तारीख आने वाली है यीशु मसीह के नाम में, उसे ना भूल दियो, उस दिन यीशु मसीह का जन्मदिन हुआ था। सारे बोले हालेलुया। परमेश्वर की प्लानिंग है आपके जीवन से, आपको आशीषित करना चाहता है। मैं कह रहा हूँ कि कुछ शत्रु ने आपके जीवन में, बहन को फोटो दिखाओ इसकी, लेडीज को, हाँ सुनो, मैं से देख रहा हूँ कुछ जादू टोने आपकी फैमिली में हो रहे हैं, बार बार देख रहा हूँ कि कुछ शरीर के अंदर प्रॉब्लम्स पैदा कर रहा है। कभी किसी को यूरिक एसिड बन रहे हैं, कुछ ऐसे अलग अलग तरीके से इन्फेक्शन हो रहे हैं शरीर के अंदर, आप जो खा रहे हो वो कुछ भी पच नहीं रहा है, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती जा रही है। मैं कह रहा हूँ एक ब्लैंक मैजिक आपके घर पर देखा मैंने, 7 साल से तुम प्रॉब्लम्स में हो। हाँ जी पापा जी, मेरे छोटा बेटा जिंदा आया, मेरे कदी डॉक्टर कहंदा हुण 4-3 वाल फेल हो गए है, डॉक्टर कहंदा ऑपरेशन कराना पड़ेगा, डॉक्टर कहंदा ऑपरेशन कराना पड़ेगा, और बचने दे चांस नहीं है, बचने के चांस नहीं है। डॉक्टर ने बोला तू मर जाएगी। देखो वो रो रही है कि बचने के चांस नहीं है, थोड़ा सा भी से ऊंची आवाज में बोल दो तो इसको हार्ट अटैक आ सकता है, प्रॉब्लम आ सकती है, ऐसे बोलते हैं। लेकिन आज मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रभु ने कहा नई डील फाइलन हो चुकी है यीशु मसीह के नाम में, नई डील हो रही है, नई डील। आज के बाद, क्रिसमस के बाद, तुझे उसी डॉक्टर के पास जाएगी और वो तेरे सर्टिफिकेट को देखकर, तेरी रिपोर्टों को देखकर हैरान हो जाएगा, पूछेगा कौन से चर्च में गई थी तू, ये कौन सी डील करके आ गई, ये परमेश्वर ने नया एग्रीमेंट कर दिया, नया एग्रीमेंट। सूजी
ਜੀ ਤੇਰਾ ਪੱਲਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ ਯਿਸੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰਹੇ ਤੇਰੇ ਮਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਬਲੇਸਿੰਗ ਦੇਗਾ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਮੇਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਕੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਹਾਂ ਜੀ विश्वास करना पड़ता है बस कहना पड़ता है हाँ विश्वास है सुन रहे कि नहीं विश्वास है कैसे किसको बोलते हैं मन मन मनिंदर मनजिंदर मनिंदर मनिंदर मेरा नाम है जी यीशु जी तेरा पल्ला झुके चंगी हो जाऊंगी सुनो सुनो जब आप पैदा हुए आपके नाम लिखे हुए कागजों पर मैं देख रहा हूँ ऐसे मैंने ऐसे देखा मैं कुछ नाम बोल रहा हूँ वैसे 50 नाम नहीं बोल रहा 3 नाम बोल रहा हूँ वैसे गुरप्रीत परमजीत सिमरन तेरा पल्ला झुके चंगी हो जावांगी ओ यीशु जी तेरा पल्ला ऐसे तो आप उनको भी जानते हैं जैसे मैंने कहा पम्मी गोरी ऐसे मैं देख रहा हूँ हाँ ऐसे बोलते हैं कौन है ओ मेरे जठानी लगती है ये पवित्र आत्मा है परमेश्वर आशीष दे रहा है सुन तेरे को परमेश्वर ब्लेसिंग देगा और अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा तेरे साथ कोई लेडीज आई है उसके पास बच्चा नहीं है 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 कोई है यहाँ पर कहाँ से आए आप कहाँ से आए माइक कर माइक गुरदासपुर से आई है ये मेरी ननद है सुनो ननंद है आप मेरे से मिले हो कभी नहीं अपने हाथ अपने अपने हाथों को उठाओ अपने हाथों को उठाओ अपने हाथों को उठाओ अपने हाथों को उठाओ जो मैं पूछ रहा हूँ सिर्फ इतना बोलना है अभी क्योंकि यू आर प्रॉफिट नहीं आई एम प्रॉफिट इंग्लिश थोड़ी गलत होगी सुनना ध्यान से आपको सुनना है आपको सुनना है ध्यान से सुनो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप बोलते हैं तो मुझे ऐसा लगता है यू आर प्रॉफिट बोल मैं आ रहा हूँ आपको सुनना है आई एम प्रॉफिट आपको विश्वास करना है प्रभु ने बताया कि इसके साथ कोई लेडीज आई है उसके पास बच्चा नहीं है कितने साल से बच्चा नहीं है आप बताओ 6 साल की गुड़िया उस तो बस मैं जिन्ना पूछा होना ही दस्ते सारे बता ले लो आपको बेटा चाहिए उसके बाद कोई ब्लेसिंग नहीं मिल रही बेटी होने के बाद कोई ब्लेसिंग नहीं मिल रही उसके बाद कुछ प्रॉब्लम बताइए डॉक्टर ने क्या बताया होन बताया ट्यूब इन्फेक्शन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सॉरी इसका इलाज मेरा प्रभु भी नहीं कर सकता आप जा सकते हैं यू कैन गो नो फास्ट ओके टुमारो कॉलिंग यू माई हेल्पलाइन नंबर 0172510077 हालेलुया पादरी को इंग्लिश आ गई है सुनो सुनो हेल्प कर रहा है परमेश्वर हेल्पलाइन नंबर JESUS श्वास करना आपको आज से पुकारना है परमेश्वर काम करेगा और तू तेरे एक नई एग्रीमेंट दे रहा है ये क्रिसमस पर नया एग्रीमेंट कर रहा है कि जाकर डॉक्टर को दिखाओ इन्फेक्शन खत्म हो गया यीशु मसीह के नाम में हालेलुया खत्म हो गया कि नहीं अरे ये डील अच्छी है कि नहीं अरे हाँ कि ना आप बोलोगे तितली उड़े पता लग जाएगा किसके पीछे चलना है किसके नहीं तितली के पीछे चलना है किसके पीछे चलना है आपको पता है आपको विश्वास करना है परमेश्वर काम कर रहा है ऐसे किसको बोलते हैं सप्रीत सप्रीत क्या नाम है सप्रीत मैं चंकी हूं सुनो 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 एक सोनिया के लिए दुआ करना है तेरे को मेरे को हाँ ठीक है अपने कागज पे डाल ले टाइम डाल ले डेट डाल ले अब लिख लियो घर जाकर उसके लिए दुआ करना है परमेश्वर आशीष दे रहा है मैं कह रहा हूँ जितने भी आर तुम यहाँ पर खड़े हो परमेश्वर तुम्हें जानता है पहचानता है तुम्हारे कामों को खोल रहा है और आशीष दे रहा है और इसी समय मैं देख रहा हूँ बहन तेरे को सिमरन चलो उखड़ जा चल चल इसी समय छोड़ दे इसको मारने हैं इसको कितने साल से परेशान कर रहा है इसको 8 साल चल निकल जा बाहर ये हार्ट छोड़ दे इसका इसके हार्ट छोड़ दे चल देखो निकल रहा है बाहर चीख रहा चिल्ला रहा निकल रहा है आउट आउट आउट
आउट आउट फायर यीशु मसीह के नाम में ओथे भी शैताना तेरा जोर ही चलना आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में आजाद हो जाए। और उसी समय अपने हाथ रख सिर पर रख सिर पर और उसी समय हाथ रखो बेटे सिर पर और उसी समय परमेश्वर इन दोनों को ब्लेसिंग देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। आज से ब्लेस हो जाए यीशु मसीह के नाम में वो बंधन टूट जाए सारे शराब टूट जाए इसी समय हार्ट काम करने लगे यीशु मसीह के नाम में और इसी समय इसके बच्चेदानी के ऊपर से वो शराब इन्फेक्शन खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। जो लोग विश्वास कर रहे हैं उनके ऊपर भी दया वाला हाथ आ जाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। विश्वास कर रहे हैं मैं कह रहा हूं कि फिर से कहूं फिर से कहूं फिर से गाएं 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 रोक गई मैं हार गई अपने रोग तो हार गई थक गई मैं चंगी हो जावांगी ओ यीशु जी तेरा पल्ला चुके चंगी हो। बोलो हालेलुया। जो विश्वास कर रहे हैं वो अपनी आशीषों को देख रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। कितने लोग तैयार हैं कि हम अच्छे से सज धज के आएंगे। कितने लोग प्रभु के लिए सज धज के आएंगे। क्या कर रहा है कैमरामैन तू कब सजेगा। हाँ पहले तो मेरे को ना क्रिसमस पे इन कैमरा वालों के लिए दुआ करनी पड़ेगी। सारे बोलो हालेलुया। हाँ जी विश्वास कर रहे हो कितने लोग सज धज के आएंगे। अच्छे से सज धज के आना सज धज के परमेश्वर आशीष देगा। कौन हो आप कौन हो यीशु मसीह की दुल्हन हो दुल्हन और दुल्हन जो बाइबल बोलती है जो सजी सजाई मिलेगी उसको आशीष देकर जाएगा। आपके मन में आपके विचारों में करे कि दूल्हा आना चाहता है। विश्वास कर रहे हो जो लोग अपनी गाड़ियां सजा के लाएंगे अपनी बाइक अपनी कार इस दिन कोई चीज अपने घर में नहीं छोड़ना। हाँ अगर आपको ये नहीं कहना फिर मेरी बाइक पता नहीं आजकल स्टार्ट नहीं हो रही की चक्कर है क्योंकि फिर वो खराब होना शुरू हो जाएगी। आपको अपनी बाइक अपनी गाड़ियां सब कुछ लेकर आना है। हालेलुया। सारे बोलो हल्ला बोल दो एक बार हालेलुया बोलकर हल्ला बोलो हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। बोलो यीशु मसीह की जय। सारे बोलो हालेलुया। मैं ऐसे कुछ लोगों को देख रहा हूँ उधर जो बैठे हैं हाथों को उठाओ और जो उधर बैठे हैं मैं कह रहा हूँ आशीर्वाद दे रहा हूँ। आप में से अगर किसी का नाम जी और एस से एक नई कार देखोगे आप यीशु मसीह का नाम में। आपको अच्छी लग रही है मेरी बात तो ले जाओ और बाकी छोड़ जाओ। सारे बोलो हालेलुया। क्या मैं आपके लिए भविष्यवाणी कर सकता हूँ। बोलो हाँ या ना। हाँ या ना। आज मैं भविष्यवाणी करना स्टार्ट करूँ। आप ये तो नहीं पूछोगे ऐसे कैसे। एक आदमी के लिए मैंने भविष्यवाणी किया। मैंने कहा तू थोड़े दिन के बाद एक फॉर्चुनर गाड़ी लेने वाला है और वो ऐसे कर रहा था कहता है खरा मैं तो रिक्शा चलाता हूँ गलत नंबर लग गया तेरा। मैंने कहा अरे ठीक है। और उसके बाद पता है थोड़े से 2 महीने के बाद आया मिठाई का डब्बा लेके आया कहता ये देखो पुरानी फॉर्चुनर लेकर आया हूँ। मैंने कहा उस दिन तूने विश्वास नहीं किया था इसलिए पुरानी मिली है तेरे को। कह रहा मेरी जो गांव में जमीन थी वो करोड़ों रुपए की बिक गई है। हालेलुया। रिक्शे वाले भी मैं कह रहा हूँ आशीष पा रहे हैं। पा रहे हैं कि नहीं। क्या मैं आपके लिए भविष्यवाणी कर सकता हूँ कि आप ऐसे बैठ के सोचेंगे हैं ऐसे कैसे हो जाएगा ऐसा कितना हो जाएगा ऐसा कितना हो जाएगा बस ही होता ही बोलो साढ़े चार जी जाता ही हो जाएगा आ जाता ही ऐसा ही। बोलो हालेलुया। चलो मैं आज कुछ लोगों के लिए फटाफट धड़ाधड़ भविष्यवाणी करता हूँ। विश्वास करते हो गेड़ा दे दूं गेड़ा दे दूं गेड़ा दे दिए चलो तैयार हो जाओ। बोलो हालेलुया। मैं यहां से करता हूं यहां से। स्टैंड अप सुनो पवित्र आत्मा आपके लिए परमेश्वर की ओर से पवित्र आत्मा कह रहे हैं कि जो काफी समय से कह रहे हैं कि काम रुके हुए हैं अब कह रहे हैं कि मार्च का महीना 2023 के दिन से कह रहा 3 महीने और गिन लेना करें तेरे लिए बहुत तरक्की के रास्ते खुलेंगे यीशु मसीह के नाम में।
मैं कह रहा हूं कि अमेरिका में एक बार नहीं, कह रहा जितनी बार तू कहेगा उतनी बार जाया करेगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर रास्ते खोलेगा, एक नई मकान की आशीष परमेश्वर आपको देगा। पवित्र आत्मा कह रहा तीन घर आगे तीन घर पीछे, इतना धनी कोई नहीं होगा जितना तू होगा यीशु मसीह के नाम में। ये परमेश्वर की आशीष है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि एक तरफ से आपको विश्वास करना है। क्या कभी कभी तू ऐसा सोचता है कि परमेश्वर जैसे प्रॉफिट बजिंदर भविष्यवाणी करता है मुझे भी मिल जाए? कह रहा जा, ये गिफ्ट तेरे ऊपर आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। प्रभु का आत्मा मेरे को बोल रहा है, रिसीव कर लेना बस। यस आमीन हालेलुया। ये बहन देखने इसकी तरफ उंगली करते ही ये खुश हो गई, इसका मतलब इसने रिसीव कर लिया कि नहीं। फिर कह रहा हूँ कि पवित्र आत्मा कह रहा है कि मैं तेरे पूरे खानदान को किसी कंट्री किसी जगह की पीआर के साथ पूरे पूरी फैमिली को लेकर जा रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। हाँ, कहाँ है आपका हस्बैंड? अमेरिका। तू कहाँ पर है? इंडिया। और कौन कौन जाना चाहता है? पूरी फैमिली। तेरे पति के पास पीआर है? सिटीजन है। तुम्हारा नंबर अब लग गया यीशु मसीह के नाम में। फटा यीशु अजी मुर्दिया किया लगीने। आपके घर में एक बेटा होगा, बहुत सुंदर होगा बेटा वो। तेरे खानदान में ऐसा बेटा नहीं होगा, लोग उसके पास आया करेंगे जैसे यीशु मसीह को देखकर खुश होने, जैसे वो तीन मंजूसी ऐसे देखकर खुश हुआ करेंगे। और कहने के वो छोटी सी उम्र में बड़ा होते ही भविष्यवाणी करने लगेगा, भविष्यता होगा। लिख ले इस बात को, लिख ले, हृदय की पट्टी पर डालने, परमेश्वर बेटा देने के लिए जा रहा है। बोला हालेलुया। कह रहा जितने सूखे हुए सारे काम बनेंगे यीशु मसीह के नाम में। कह रहा एक लकड़ी मिलेगी, लकड़ी आज रात के बाद, कह रहा एक लकड़ी मिलेगी आपको, एक लकड़ी मिलेगी ड्रीम्स में। और आपके गेट के बाहर कह रहा तीन किले टूटी हुई गिरी दिखाई देंगी आपको। इसका मतलब ये जितने जादू टोने आपके ऊपर हुए थे वो सब टूट गए यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का आत्मा आज से फाइनेंस को खोलेगा, आज से रास्ते खोलेगा और आशीष देगा। आपका जोश आपको जल्दी रिसीव कराएगा यीशु मसीह के नाम में। तेरा पल्ला चुके तकी हो। तीन स्वर्गदूतों को देख रहा हूँ मैं, तीन एंजल को देख रहा हूँ। आपकी पत्नी बड़े टाइम से रो रही है और प्रार्थना कर रही है और कह रही है कि सब लोग बोलते हैं कि तुम्हारा पता नहीं क्या सब कुछ फेल हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है। लोग कह रहे हैं कि कहाँ जा रहा तू, क्या कर रहा है, क्या कर लिया तूने, मार्ग सही नहीं है, गलत नहीं है, बहुत सारे आपके बारे में बोल रहे हैं, लेकिन कानों में आवाज आएगी। थोड़े दिन में जितने रिश्तेदार आपके साथ रहते हैं उनके कानों में आवाज आएगी, आपसे पूछेंगे, आपको कहेंगे हमें भी वहां लेकर चल, क्योंकि परमेश्वर कह रहा है कि आपके गाँव में आपके शहर में सबसे ज्यादा रिच पर्सन बनाने के लिए जा रहा है यीशु मसीह का। ढाई करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट कोई मिलने वाला यीशु मसीह के नाम में। आपके करोड़ कह रहा कि एक जगह जगह जो नहीं मिल पाई, एक जगह जगह जो किसी ने धोखा कर लिया था कि नहीं, कोई ऐसी कोई केस भी चला, जैसे कुछ प्रॉब्लम हुआ, हाँ या ना, परमेश्वर कह रहा है जीतोगी, विनर होगे, विनर मेरी है, मेरी है, जित मेरी है, बोलो नाम विच जित हुड़ी मेरी है, मेरी है, मेरी है, जित मेरी। ऐसे विश्वास करना आज के बाद एक बड़ी कंपनी का मालिक होगा। होली स्पिरिट मुझे बोल रहा है, कह रहा है एक फैक्ट्री का मालिक बनाऊंगा तेरे को, अगर ना बनाए बोल देना तू प्रॉफिट बजिंदर नहीं। आमीन मत कहना इस बात पर। परमेश्वर आपको ब्लेसिंग देगा आपसे, ये यहोवा की योजना है। मेरे को मिले आप कहीं, कोई फोन नंबर आपके पास नहीं है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है जो जमीन का टुकड़ा किसी ने खरीद लिया है, मार लिया है,